दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और पिछले दो वीडियोस में आपने देखा कि हमने नोटबुक के ऊपर बात किया कि नोटबुक बनाने के बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और नोटबुक में क्या प्रॉफिट मार्जिन पे आउट होता है। अब इसके बाद नोटबुक में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, मशीन्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ये सब के ऊपर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे ताकि आप ये व्यापार चाहें तो अपने यहाँ पे कर पाएँ। तो आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो नोटबुक सेल्स स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अभी तक अगर मान लीजिए आप नए हैं और नोटबुक का काम करना चाहते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अभी तक जो नोटबुक के बिजनेस में है किस तरह की मार्केटिंग होती है, ताकि मान लीजिए आप उस मार्केटिंग को भी कंटिन्यू करके अपने एरिए में सेल्स को बढ़ा पाएँ। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग इसको जो है आपके सामने समझाएँगे ताकि आपको ब्रीफ समझ में आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। अगर मार्केटिंग आपका ठीक नहीं है, टेक्निक आपका ठीक नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए आपका काम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब कोई नया आदमी मान लीजिए इस इंडस्ट्री में उतरता है तो वो उसको क्या करना चाहिए, वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जो है सबसे पुराना मेथड है किसी भी बिजनेस का, जिसमें क्या होता है कि वो लोग मार्केट में डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के पास विजिट करते हैं। यानी आपकी कंपनी है, आप डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, और होलसेलर के पास जा रहे हैं, रिटेलर के पास जा रहे हैं और अपना सामान आप उनको दिखा रहे हैं और उनको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है जो सबसे पुराना तरीका होता है और इसके थ्रू भी काम होता है। दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में क्या है, इसमें लोग कंपनियां क्या करती हैं, कुछ लोगों को जिनको पास एक्सपीरियंस है या किसी और नोटबुक कंपनी में काम किए हुए हैं, नौकरी किए हुए हैं, तो उनको हायर करती हैं कि वो जो है जाके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर के पास जाके अपने प्रोडक्ट को दिखाएँ और सामान को बेचने के लिए उनको बोलें। और इसमें मालिक जो है वो पूरा मेंटेनेंस का काम करता है, यानी मैनेजमेंट का काम करता है और अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है सब्जेक्ट पे काम करने के लिए देता है। तो इसमें सेल्स प्रमोशन में जो सेल्स एम्प्लॉई हायर किए जाते हैं वो लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनके पास रीच आउट करते हैं अपना सामान बेचने के लिए। तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, वो लोकल में कि मान लीजिए जितने भी तरह के कॉलेज हैं आपके लोकल में, या स्कूल हैं, या यूनिवर्सिटी हैं, या स्टेशनरी शॉप है, इनके पास विजिट कर सकते हैं, इनको अपना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का जो चीज़ है वो दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या रेट पे वो लोग दे रहे हैं, क्या मार्जिन दे रहे हैं, और कुछ ऑफ़र वगैरह भी चाहें तो ये लोग उनको मार्केट में दे सकते हैं डायरेक्ट, ताकि उनको ऑफ़र मिले तो वो इनका नया प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में परचेज़ करें। अगर आप पुराने हैं तब तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको टाइम टू टाइम जो है वो ऑफ़र वगैरह चलाना पड़ता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है नए लोगों के लिए, जो मान लीजिए नए कंपनी सेटअप किए हैं या इतना खर्चा करके अभी कंपनी बनाए हैं, तो अभी एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत सारा मोड आ गया है। जैसे आप सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब पर बना रहे हैं अपने काम के लिए, तो यूट्यूब पर आप दे सकते हैं। किसी यूट्यूबर का जो मान लीजिए इस सब्जेक्ट पर काम करता है उसको आप बुला के पेड प्रमोशन करवा सकते हैं, उसके थ्रू अपनी चीज़ों को फेमस करवा सकते हैं। ये सब आप काम कर सकते हैं, जो मान लीजिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में बहुत ही आसानी से हो जाता है लोकल लेवल पे। अगर आप हैं और किसी बड़े को अप्रोच करते हैं तो वो बड़ा चीज़ आपसे मांगेगा ही मांगेगा। प्लस आप जो हैं पब्लिसिटी लोकल में कर सकते हैं, यानी मान लीजिए स्कूल कॉलेज के सामने जो भी आपका बैनर पोस्टर लगाना होता है वो। प्लस देखिएगा, हर एक सिटी में कुछ ऐसा पॉइंट होता है, कुछ ऐसा चौराहा होता है जहाँ एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं अपने एरिया में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और तुरंत फेमस हो जाए और आपका सामान बिकना चालू हो जाए अपने ऑफ़र के साथ। आप अगर आप मेन टाउन के मेन जगह पे जहाँ लोगों की विजिबिलिटी ज़्यादा हो, अगर वहाँ कुछ डिस्प्ले करते हैं तो आपके लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद जो है आप चाहें तो इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, यानी आप जैसे डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बताया कि कंपनी आपके पास है, उद्यम लाइसेंस आपके पास है, GST आपके पास है, करंट अकाउंट आपके पास है, ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपके पास है, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन सेल्स भी कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकना ना बिकना तो आपके ऑफ़र के ऊपर है। जैसे आप फ्लिपकार्ट में बेच सकते हैं, अमेजोन में बेच सकते हैं, आपका इंडिया मार्ट B2B के लिए बहुत फेमस है, ट्रेड इंडिया है, ऐसे मीशो है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर B2B सेल होता है और रिटेल में भी सेल होता है, तो आप इन जगहों को टारगेट कर सकते हैं और टारगेट करके अपना प्रमोशन भी करा सकते हैं। और इसके साथ ही मान लीजिए किसी चैनल पार्टनर के साथ अगर आप जुड़ें
किसी कंपनी के साथ जो उसका मार्केट पहले से हो और अगर वो आपके लिए मार्केटिंग करे कुछ कमीशन पे बेस पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑप्शन रहता है। तो आप जितना ज़्यादा पुराने होते जाइएगा एक एक करके, ये सारे जो टेक्निक हैं और चीज़ें हैं आपको समझ में आने लगेंगी और आप बहुत ही आसानी से अपना माल बेच पाइएगा। अगर मान लीजिए आपको हमारी टीम की ज़रूरत है, हमारे सजेशन की ज़रूरत है, हमारी सर्विस की ज़रूरत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर 9230222490 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको हम लोग ये सारी सर्विसेज, नोटबुक से रिलेटेड जो जो हमने बताया, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।